पूरी करो। तो क्या पेपर लीक माफियों का हाथ में होगा तभी तो न्याय मिलेगा नहीं आपको। तमाम युवा पूछे हैं और राज्य सरकार से विभिन्न मांगे हम रख रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार जो युवाओं के साथ जो पेपर लीक ओमार सीट पर कर, जिस प्रकार आरपीएससी में बाबूलाल कटारा का नाम आया, जिस प्रकार गोपाल केसावत का नाम आया, आरपीएससी के तमाम सदस्यों की जांच हो, पुनर् इनके सदस्यों की और आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो और उसमें कमेटी बना के या यूपीएससी की तर्ज पर हो। हम मांग कर रहे हैं जो एसआई भर्ती में जो मीडिया सोशल मीडिया पर जो नाम वायरल हो रहे एक ही क्षेत्र से चयन हो रहे उनकी सरकार जांच करे, योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे, अयोग्यों को बाहर करे, उनकी जांच होनी चाहिए। प्रशासन में फर्जी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। हम मांग कर रहे जो पर्यटन गाइड थे जिनके एग्जाम के माध्यम से उनको लिया गया उनको नियमित किया जाए, उनको सुविधा रूल्स में शामिल किया जाए, उनको मानदेय दिया जाए। हम मांग करें कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की मांग करें, पंचायत राज जैन भर्ती की मांग करें, सीईटी की मांग करें, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनकी मांग करें, 1,00,000 भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण हो, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, उनका कैलेंडर जारी हो। और जो हालात जो गंभीर बने हैं राजस्थान का युवा न्याय मांग रहा है, आज मुख्यमंत्री जी से याचना करने आए हैं। सितंबर में हम सब लोग युवा हम निर्णय लेंगे। हमें पेपर लीक मुक्त राजस्थान भी चाहिए, तमाम संस्थाओं की जांच भी चाहिए, योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी चाहिए, फर्जी डिग्री डिप्लोमा खेल प्रमाण पत्र के खिलाफ कानून भी चाहिए, समय पर प्रक्रियाधीन 1,00,000 भर्तियों की नियुक्तियां भी चाहिए। और जो तमाम युवा यहाँ पहुंचे हैं, अलग अलग भर्तियों के लोग यहाँ पहुंचे हैं, इन सबको न्याय मिलना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं, कनिष्ठ अनुदेशक पंचायत राज जैन भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, पर्यटन गाइड्स हैं, पंचायत राज जैन है और रीट 82 नंबर है, सीईटी 40% वाले हैं, तमाम लोग हैं, एसआई भर्ती के लोग हैं, सब लोगों को न्याय मिले, सबकी मांगे पूरी हो, जो हमारे मांग पत्र में शामिल है, युवा बेरोजगार महासम्मेलन की जो मांगे शामिल है। मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग मानते हुए उम्र कैद की सजा का कानून लेकर आए, उस कानून को धरातल पर लागू करे, फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन करे और तमाम पेपर लीक माफियों की संपत्ति को जब्त करे। उम्मीद है मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को और मानेंगे। आज हम याचना करने आए, प्रार्थना करने आए और हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो चुनाव में युवाओं का रण होगा, युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। अब याचना फिर रण होगा क्योंकि युवा चुनाव में जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। जो मांग पत्र में जो युवा बेरोजगार महासम्मेलन की मांगे हो, चाहे बजट की मांगे हो, चाहे लिखित समझौते की मांगे, वो तमाम मांगों को पूरा करने को लेकर एक बार फिर आज हमने मोर्चा खोला है। बिल्कुल युवा अपना इस बार युवा जीत के लिए युवाओं के पास चाबी होगी, युवाओं का बड़ा रोल होगा। युवा लगातार अपनी मांग उठा रहे, अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे, इस बार युवा जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं करेंगे, इस बार रोजगार पेपर लीक मुक्त राजस्थान युवाओं से किए वादों को लेकर इस बार वोट करेंगे और इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी, महत्वपूर्ण योगदान युवाओं का रहेगा। सर मेरा सरकार से अनुरोध है कि 23 जून को शारीरिक शिक्षक की भर्ती आई थी राजस्थान में 5,546, 23 जुलाई लास्ट डेट थी, 25 सितंबर को एग्जाम हुआ, 21 अक्टूबर को रिजल्ट आया, 2 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक हमारी डीवी हुई और फाइनल रिजल्ट 31 मई को आया। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द ग्रामीण ओलंपिक एंड स्कूल में जो इवेंट्स होने वाले गेम, उनकी वजह से भी छात्रों के भविष्य के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार से हमारा अनुरोध है। खेल मंत्री जी, बीडी कल्ला जी, शिक्षा मंत्री जी एंड सीएम साहब से हम अनुरोध करते हैं कि 31 जुलाई पहले हमारे जिले अलॉटमेंट करके 5 अगस्त से पहले हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, ये हमारा सरकार से अनुरोध है। मैं महेश यादव, नवचयनित शारीरिक शिक्षक। 7 फरवरी 2022 को राज्य मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे रेट L2 के लिए 31,500 पदों की घोषणा की थी, लेकिन जिस दिन विज्ञप्ति जारी हुई हमारे 4,500 पद काट लिए गए थे और हम हमारे मुख्यमंत्री से यही मांगे जो एक जो क्रम में एग्जाम हो उसी के अनुसार नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे जगह खराब नहीं हो और सभी के लिए वो जगह अवेलेबल हो जाए। एक बंदा 3 जगह सेलेक्ट हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड में भी हो रहा है, सेकेंड ग्रेड में हो रहा है, थर्ड ग्रेड में, तो ज्वाइन तो एक करेगा और इससे 4,500 पद हमारे हुए और क्रम की नियुक्ति, इससे दूसरे बंदों को लाभ मिलेगा। अलग अलग प्रकार के डिप्लोमा सरकारें स्टार्ट किए लेकिन आज तक सिर्फ
सेवा नियम और भर्ती की बात आती है तो सिर्फ पैरामेडिकल में DMLT और DRT को ही लेकर उनकी वैकेंसी निकलती है, उनके ही सेवा नियम बने हुए हैं। ना तो आज तक डायलिसिस की वैकेंसी आई है, ना ऑपरेशन थिएटर की आई है, ना ब्लड बैंक की आई है, ना EEG की आई है, ना एंडोस्कोपी की आई है, ना इमरजेंसी ट्रॉमा की आई है। जब सरकार ने चिकित्सा नीति को अच्छा बनाने के लिए जब सरकार ने ये कोशिश करी कि हम एक अच्छी नीति बनाएंगे सरकार में और राजस्थान में और लोगों की अच्छी सेवा होगी, तो 2015 से 8 साल से आज तक बच्चे बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की मेडिकल में होते हुए भी बेरोजगारी की जो है ठोकरें खा रहे हैं। और सरकार से मेरी यही अपील है कि इन सभी बच्चों की 2 महीने बचे हैं आचार संहिता में, आचार संहिता लगने से पहले सेवा नियम बनाएं एवं इनकी सबकी विज्ञप्ति जारी करें ताकि बेरोजगारी से इनको राहत मिले और ये सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधा जोड़कर लोगों की सेवा कर सके। उस टाइम 1500 विज्ञप्ति का बात हुई थी लेकिन अभी तक, और फिर उसके बाद हमारे निदेशक महोदय ने 3000 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशों की भर्ती जारी करने की बात की थी जो कि हमारी अभी तक फाइल सचिवालय में अटकी पड़ी है, उसको अभी तक आगे नहीं लाया गया है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हम CITS हमारा एक्चुअल में कोर्स 5 साल तक ही वैलिड है तो उसको जल्द से जल्द, इस साल काफ़ी बच्चों का लास्ट है, ये अंतिम वर्ष है, इसलिए हमारी भर्ती को जल्द से जल्द लाया जाए और 3000 भर्तियों की मांगे हमारी पूरी की जाए। हम राजकीय ITI में जो कनिष्ठ अनुदेशक होते हैं और उसकी विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए यहाँ पर आज लगभग 500 के लगभग अभ्यर्थी आए हैं। सन 2019 से हमारी विज्ञप्ति की मांग चल रही है और सरकार कह रही है आज तक ये विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। 80% पद राजकीय ITI में कनिष्ठ अनुदेशकों के खाली पड़े हुए हैं और स्किल इंडिया पूरी तरह फेल हो रही है, बच्चे सही तरीके से स्किल नहीं हो पा रहे हैं राजस्थान में, इसलिए हमारे राजकीय ITI में 80% पद खाली पड़े हुए हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं, आज हमारे यहाँ लगभग 500 लोग यहाँ धरना स्थल पर आए हुए हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी कनिष्ठ अनुदेशक राजकीय ITI में भर्ती जारी की जाए, विज्ञप्ति जारी की जाए, हमारी यही मांग है सरकार से और हम सरकार के पूरे साथ में हैं अगर हमारी विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी जारी हो तो।